Assalamu alaikum. My name is Rabia Busar. मैं अपने चैनल पे आपको वेलकम 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 करती हूँ जी। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फेस पैक जी। तो हमने मसूर की दाल को दूध में रात भर भुगो के रखा हुआ था और अब उसको हमने अच्छे से कर लिया ग्रेंड, और ग्रेंड करने के बाद इसका पेस्ट हमारे पास हो चुका है रेडी। और आप बग़ैर कोई चीज़ डाले इसका खाली जो पेस्ट है जो आपको नज़र आ रहा है वो आप अपने हैंड फूड फेस पे अप्लाई करें, तब भी बहुत ही कमाल का इसका रिज़ल्ट है। लेकिन हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करने जा रहे हैं मज़ीद। हमने लिया है बेसन 2 टेबल स्पून जी। तो उसमें हम ऐड करेंगे मसूर की दाल का पेस्ट, जितना भी आप पैक बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप उसमें डाल लें जी। ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए है जो वाइटनिंग चाहते हैं कि हमारे हैंड फूड का प्रॉब्लम है या फेस का है, तो बहुत ही ग्लो करता है। और मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इसे यूज़ करेंगे और एक हफ्ते में ही आप इसका वाजिया रिज़ल्ट इसका आपको मिलेगा इंशाल्लाह। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 लेमन। इस फेस पैक की जितनी भी तारीफ़ की जाए इतनी कम है, लेकिन ये तारीफ़ मैं नहीं करूँगी, ये आप खुद इसे अप्लाई करके यूज़ करके आप अपने मुंह से खुद ही तारीफ़ करेंगे। अच्छे से निचोड़ने के बाद लेमन का रस अच्छे से निकालने के बाद हमने इसे कर लिए अच्छे से मिक्स। और अब हमने एक चुटकी हल्दी इसमें ऐड कर ली है। हल्दी तो बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कमाल की चीज़ है, और फेस के लिए भी बहुत ही बेनिफिट रखती है जी। तो अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं गुलाब का अर्क। अब तो हो गया सोने पे सुहाग जी। रोज़ वाटर का तो क्या ही कमाल है। तो ये ख़ास तौर पे जो ब्राइडल हैं, जैसे अक्सर लड़कियों की शादी होती है, ब्राइडल होती हैं, और वो कुछ ऐसी रेमडी चाह रही होती हैं कि कोई ऐसा फेस पैक हो जो हमें मिनटों में कर दे गोरा चिट्टा, तो ज़रूर ये वाली रेमडी आपने अप्लाई करनी है। उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें मैं अपने फेस पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मेरी बेटी ने आज मेरे हैंड पे मार्कर से फ्लावर बना रही थी, वो निशान पड़ गया मेरा। तो प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।